Hello, I'm Pooja and today I'm talking to Dr. V.K. Jain, who is one of the best neurosurgeons and our awardee from Global Healthcare Awards 2015. Welcome sir, how are you? Fine, thank you very much. Sir, हमें अपने बारे में बताइए सबसे पहले. Well, हम यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के फॉर NCR एंड दिल्ली. इससे पहले हम लखनऊ में थे SGPGI इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे हमने न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट बनाया था. सर, बीइंग अ लेमैन लोगों को पता नहीं है कि न्यूरोसर्जरी होती क्या है, सो हमें मतलब इस बारे में बताइए कि व्हाट इज न्यूरोसर्जरी. देखिए, न्यूरोसर्जरी दो वर्ड से बना है, न्यूरो और सर्जरी. न्यूरो का मतलब सब ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से रिलेटेड है. तो न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम. सो जिस चीज से भी कंसर्न होता है, चाहे वो ब्रेन से हो, चाहे स्पाइन मतलब स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो जाती है उनसे हो, वो न्यूरो होता है. और उनमें जिनमें ऑपरेशन करना होता है उसको सर्जरी बोलते हैं. तो न्यूरोसर्जरी का मतलब हुआ ऑपरेशन ऑफ ब्रेन, स्पाइन एंड पेरिफेरल नर्व्स. ओके सर, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? वेल, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो बहुत तरह के होते हैं. मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा जो न्यूरोसर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में एब्सेस भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है और बहुत सारे पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं. बच्चों का सिर बड़ा हो सकता है. उसके अलावा स्पाइन में काफ़ी डिजीज होती है, डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं, स्पाइनल ट्यूमर्स होते हैं, उन सब के ऑपरेशन किए जाते हैं और पेरिफेरल नर्व्स होती हैं. ये चीज़ें होती हैं. सर, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज? जो अर्ली साइंस है जिसके बारे में अनअवेयर हैं, हम पहले प्रिकॉशंस ले लें वो चीज़ें हो ही ना. देखिए, अर्ली साइंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जो है वो, अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो उसके अर्ली साइंस होंगे. अगर फॉर एग्जांपल अगर आँख में बीमारी होती है तो नज़रें कमज़ोर होती हैं या आँख में दर्द होता है. उसी तरह से ब्रेन में अगर तकलीफ होगी, क्योंकि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो पैरालिसिस हो सकती है, आँखों की नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं और सुनने में कम दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, या फिर चलने में दिक्कत हो सकती है. इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. और ब्रेन ट्यूमर अगर होता है तो काफी सर में हेडेक के साथ उल्टियां भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर और इसके क्या सिम्टम्स है, क्या उसके प्रिकॉशंस है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक तरह से एक गांठ हो गई है जो सिर के अंदर पैदा हो गई है, बड़ी हो रही है और जगह कर रही है. तो ब्रेन ट्यूमर मेनली दो तरह के होते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं और मेलिग्नेंट कैंसरस भी हो सकते हैं. और इसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, और उल्टी आ सकती है और पैरालिसिस हो सकती है एक साइड में, जो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होती है. और अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसको पूरा हम निकाल सकते हैं. कैंसरस ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकालते हैं, उसके बाद डिपेंडिंग के कैसा कैंसर है उसको बिजली की सिकाई या कीमोथेरेपी हो सकती है. सर, जो हमने सुना है स्पाइन सर्जरीज मोस्टली फेलियर होते हैं, तो क्या ये सच है या झूठ है? देखिए, ये उसी तरह से है जैसे कई लोग बोल देते हैं पेट की सर्जरी फेलियर हो गई, क्योंकि वो पेट की सर्जरी उस मरीज में की गई जिसमें कैंसर पूरा फैला हुआ था और खोलने में पता लगा कि कुछ नहीं कर सकते. तो कोई इंसान उसको कह सकता है कि पेट की सर्जरी कभी नहीं करानी चाहिए क्योंकि वो फेल हो गई है. इसी तरह से स्पाइन की सर्जरी अगर किसी पेशेंट को, एक्सीडेंट वाले पेशेंट को या कोई पेड़ से गिर गया है, जब उसका स्पाइन का फ्रैक्चर होता है, स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं. उसका खाली बोनी फ्रैक्चर ठीक किया जाता है और उसमें लोग पहले तो मान जाते हैं कि ठीक है जी, कर दीजिए ऑपरेशन, पर बाद में जब इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो वो कहते हैं ये फेल हो गया है. अगर किसी पेशेंट को स्पाइन में ट्यूमर है, कई सारे ट्यूमर होते हैं, ग्रेजुअली प्रोग्रेस धीरे 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 उसको कमजोरी आ रही है, उसके बाद हम जब ऑपरेशन करते हैं तो वो फुल्ली रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है. सो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम अनअवेयर हों, जो लेमैन को, पब्लिक को, कॉमन पर्सन को पता हो, तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस और इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए. देखिए, एक तो मैंने जो अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया कि अगर किसी को सर में काफ़ी दर्द होता है तो उनको न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए. सर दर्द के साथ उल्टी आ रही है या कमजोरी होती है या उसको धुंधला दिखाई पड़ता है तो उन्हें न्यूरोसर्जन को मिलना चाहिए. ये मेनली अबाउट ब्रेन ट्यूमर है. और इसी तरह से अगर हाथ पैर में कमजोरी होती है, पर्टिकुलरली एक साइड में अगर कमजोरी हो रही, तो उनको मिलना चाहिए. उसके अलावा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, न्यूरोसर्जन हेड इंजरी के साथ भी डील करते हैं, स्पाइनल इंजरी के साथ भी डील करते हैं. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्रिवेंशन करना, जिसके लिए कई बार प्रोग्राम्स हो चुके हैं. आप लोग भी चैनल्स पर बोलते रहते हैं कि हर एक इंसान को
हेलमेट यूज़ करना चाहिए और सीट बेल्ट यूज़ करना चाहिए। हेलमेट ना यूज़ करते अगर नहीं करते हैं लोग तो उससे हेड इंजरी बहुत सीवियर होती है और जान का खतरा होता है और ज़िंदगी भर के लिए वेजिटेटिव बनने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ हेलमेट एंड यूज़ सीट बेल्ट। इट्स प्लेजर टू टॉक विद डॉक्टर वी के जैन, थैंक यू सो मच सर। जो प्रिकॉशंस इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दी उसको हम टेक केयर करेंगे और हेलमेट लगाएंगे और सीट बेल्ट का भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।